नमस्कार सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है जून की पेंशन, आप पेंशन स्लिप देख सकते हैं, जून की पेंशन जो है आपके खातों में क्रेडिट होना शुरू हो गई है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है आपकी जो खातों की स्क्रीनशॉट्स भी कुछ एक पेंशन धारकों ने भेजे हैं कि हमारे पास जो मैसेज आ चुका है उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए 30 जून 2023 को 28,055 रुपये इनकी पेंशन क्रेडिट हुई है। तो दोस्तों अब कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि जून की जो आपकी पेंशन स्लिप थी उसके साथ आपका फुल एरियर पेमेंट जो था उसकी शीट भी दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जो भुगतान हुआ है सिर्फ पेंशन का हुआ है। तो ये क्या मामला है पूरा, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहें, और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आपकी स्पर्श से संबंधित पेंशन है, जी हाँ ध्यान से सुनिए, जो स्पर्श से में ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं, जो पेंशन बैंक से नहीं बल्कि स्पर्श से लेते हैं, जी हाँ जो पेंशन स्पर्श से लेते हैं बैंक से नहीं लेते हैं, उनका एरियर आ चुका है, उनका फुल एरियर खातों में आ चुका है। और बैंक से जो लेते हैं उनका रहता है पेंशन स्लिप में, उनकी जून की पेंशन स्लिप में मेंशन्ड है, फिर भी उनका रहता है बैंक सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि अलग अलग बैंक का अपना अपना जो प्रोसेसिंग कार्य है वो अलग अलग है, टाइम अलग है, तो इसकी वजह से। बाकी जिन जिन पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में ऑलरेडी हो चुका है, स्पर्श के थ्रू जो पेंशन ले रहे हैं उनका फुल एरियर पेमेंट आ चुका है। लगभग जो 70 अबव पेंशन धारक हैं उनका मोस्टली सभी का आ चुका है। उसके बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अपनी जो है यस नो में टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आपका एरियर मिला है या नहीं, ताकि हम उस एनालाइजिंग के तौर पर सभी को उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बता सकें, क्या उनका सॉल्यूशन रहेगा। ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास आए हैं, देखिए इनकी भी पेंशन आ चुकी है 31,605 रुपये। काफ़ी सारे पेंशन धारकों की पेंशन आज आई है, क्योंकि जून की पेंशन आज ही क्रेडिट होनी थी, लेकिन अब पेंशन की बात नहीं है यहाँ पर, बात है एरियर शीट की, क्योंकि जून की पेंशन के साथ एरियर शीट दिखाई गई थी तो काफ़ी सारे पेंशनर्स को एरियर नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ पेंशन यहाँ मिली है। तो सवाल पेंशन धारकों का क्या है कि हमें जो है एरियर क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों आपको बता दें कि बैंक सर्वर प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं मिला है, स्पर्श वालों को मिल चुका है ऑलरेडी, और जो भी बैंक के थ्रू ले रहे हैं उनको भी एक या दो दिन के अंदर अंदर जो है जल्दी ही प्रोसेसिंग के बाद आपके खातों में एरियर देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक और अपडेट जो है वो ये है कि जंतर मंतर पर जो है भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है पूर्व सैनिकों द्वारा, क्योंकि सरकार अपने मनमाने ढंग से पूर्व सैनिकों के साथ हर बार धोखा करती है। इस बार जो है नए नए तरीकों से सरकार को झुकाने की कोशिश की जा रही है। 2 जुलाई 2023 को बहुत बड़े स्तर पर एक दिन की भूख हड़ताल रैली रखी गई है। तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी पेंशनर्स के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि सबको अपडेट्स मिल सकें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।